और आज मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी कि किस लिए हम फर्नीचर्स ले रहे हैं। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ टेंगरा फिश। दिस वॉज कियारास वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ब्रशिंग। गाइस गुड मॉर्निंग, आज इज संडे और व्लॉग शुरू कर रही हूँ 8:30 को, 8:30 इन द मॉर्निंग। और मेरे पीछे दिख रहा है ये बंदा, दी कन्फ्यूज्ड वन, दी मोस्ट कन्फ्यूज्ड वन। जब जा रहा था मैंने पूछा कब वापस आ रहा है, बोला संडे। कितने बजे? 6:15। मैं बोला अच्छा तो सुबह 6:15? नहीं नहीं नहीं, शाम को, शाम हो जाएगा। और आज सुबह 6:15 को वापस आया एक्चुअली, संडे सुबह। कैसा घुमा बोल? अच्छा, अच्छा था, बहुत अच्छा जानी था, एंजॉय किया उसने। और ये दो अभी बुम्बा के साथ, क्योंकि दो दिन बुम्बा नहीं था। पापा अभी उठ गए हैं बट रेडी हो रहे हैं अपने रूम पे, फिर आएंगे तो हम साथ में चाय और ब्रेकफास्ट पियेंगे। आज बहुत सारा काम है, चाय ब्रेकफास्ट पीने के बाद मुझे एक ही आइटम बनाना है आज, क्योंकि कल का उसका बर्थडे का इतना सारा खाना रह गया है और इसने तो बर्थडे केक भी नहीं खाया अभी तक और कोई आइटम भी टेस्ट नहीं किया है, तो करेंगे। और उसके बाद हम दोनों को थोड़ा बाहर भी जाना है। एक्चुअली उसके लिए बर्थडे आइटम रखना भी नहीं चाहिए था, उसको बर्थडे केक खिलाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रामेश्वरम जाके आया है तो मेरे बर्थडे पे वो था ही नहीं। तुमने उसके लिए खाना बचा के क्यों रखा है? मैंने बचा के नहीं रखा है, इतना बनाया था तो उसको देना ही मत ना। उसके सामने हम लोग खाएंगे, उसको दाल और राइस मैंने एक्चुअली खाना चार लोगों का ही पूरा बनाया था, चार एंड हाँ दीगू, पांच लोगों का बनाया। मतलब ये क्या कि वो मतलब बर्थडे पे रहेगा भी नहीं, फिर आके खाना भी नहीं। बात ये नहीं है, बात है कल जब मेहनत हो ही रही थी मैंने ज्यादा बना लिया ताकि आज मुझे कम करना चाहिए था। एनीवेज मिलती हूँ गाइस कुछ ही देर में, पहले अभी थोड़ा सा चाय पी के फ्रेश हो जाते। एंड दिस वॉज कियारास वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ब्रशिंग। एंड ट्रस्ट मी, ये हम दोनों के लिए लग रहा था पहली बार का एक्सपीरियंस है। दो आई डू इट रेगुलरली विथ फ्लरी बट दिस वॉज विथ कियारा, दिस वॉज इवन टफर देन आई थॉट। यू सी दैट इन द वीडियो, शी इज़ सो वेरी नॉटी, शी डजेंट लेट यू डू एनी थिंग एंड स्पेशली एनी थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज रियली रियली टफ विथ हर। আগে ব্রাশ করেছে কখনো? নো, ফার্স্ট টাইম। চাচা খা, তুই খা, তুমি খা, মুখ বুঝে না। आज लंच में मैं बना रही हूँ टेंगरा फिश, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैट फिश इन इंग्लिश। बहुत ही अच्छे साइज का मिला था। इसका दो वेरिएशन आता है, एक ब्लैक एंड एक सिल्वर। सिल्वर इतना टेस्टी नहीं होता है जितना ये ब्लैक टेंगरा होता है। तो इसको हम हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रखे हैं और ये बहुत स्लिपरी होता है इसका बॉडी, तो धोने के टाइम अगर थोड़ा हल्दी और नमक से धुला जाए तो वो स्लिपरीनेस चला जाता है। अब इसको पहले फ्राई करेंगे। ऐसे सारे फिशेस को एक एक करके फ्राई कर लेंगे और ये फिश बहुत ज़्यादा क्रैकल करता है तो बी केयरफुल, थोड़ा सा इसको ढक के फ्राई करिएगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत कड़क फ्राई नहीं करना है, बस फिश अच्छे से दोनों साइड से पक जाए उतना ही काफ़ी है। और ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके, मेरे पास ऑलमोस्ट 9 पीसेस ऑफ फिशेस थे उस दिन, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके बैच बाई बैच सारे फिशेस को फ्राई करके उठा लिया है। और अभी तेल थोड़ा सा कम हो गया है तो मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको वाइट ऑयल या कोई भी ऑयल जो आपको अच्छा लगता है उसमें बना सकते हैं। एंड इसमें मैं डाल दूँगी स्लाइस्ड अनियन एंड स्लीटेड ग्रीन चिलीज़,
जिसको मैं बहुत ही अच्छे से तेल में फ्राई करूंगी जब तक ये अनियन ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। और जैसे ही अनियन पक जाएगा आई एम एडिंग हियर वन बिग टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक उसके रॉ स्मेल ना चला जाए। अगर उसका रॉ स्मेल आता है ग्रेवी में तो वो बहुत गंदा टेस्ट करता है। थोड़ा ढक के भी पका सकते हैं आप सिम में, मैंने वही किया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। और आलू को भी सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिला लूँगी। और जैसे ही आलू थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगेगा आई विल स्टार्ट एडिंग स्पाइसेस। फर्स्ट टर्मरिक पाउडर, देन कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। और आई विल गिव इट अ वेरी गुड मिक्स एंड आई विल अगेन कवर दिस मिक्सचर फॉर अ मिनट और सो, so that it cooks really well with the potato and potato gets all the tastes inside it. इसके बाद cover खोल के I will add tomatoes और tomatoes को अच्छे से मिला के, और जब भी tomatoes डालिए उसमें थोड़ा सा salt add कर दीजिए, that will help your tomatoes to get soften faster. तो मैं भी वही कर रही हूँ। और इसके बाद मैं और एक या दो मिनट के लिए इसको ढक दूँगी ताकि टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एंड नाउ व्हेन द टोमेटोज आर सॉफ्ट आई सी दैट पूरा मेल्ट हो गया है ग्रेवी में। मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए क्योंकि आलू है जो ग्रेवी सोक कर लेगा और मेरे पास फिशेस भी काफ़ी ज़्यादा है तो वो सारे फिशेस के अंदर ग्रेवी घुसना चाहिए, इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। एंड नाउ आई विल कवर इट इन द मीडियम फ्लेम, आई विल वेट फॉर दिस ग्रेवी टू कम टू बॉयल। एंड जैसे देखिए मेरे ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गया है। आई एम एडिंग सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने पहले भी एक बार सॉल्ट ऐड किया है टोमेटोज के साथ। मैं हर खाना में थोड़ा सा स्वीट डालती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए। और कवर करके मैं वेट करूँगी आलू बॉयल होने तक। तो जैसे ही मेरा आलू बॉयल हो जाएगा दैट्स द टाइम व्हेन आई विल स्टार्ट एडिंग द फ्राइड फिशेस वन बाय वन। और फिशेस के जो एक्स्ट्रा ऑयल लेफ्ट ओवर ऑयल प्लेट में है उसको बिल्कुल भी मत वेस्ट कीजिएगा, डाल दीजिएगा, उसी में सारा टेस्ट है। और अच्छे से फिश को इस ग्रेवी में मीडियम फ्लेम में 2 to 3 minutes तक बॉयल करना है ताकि फिश के अंदर अच्छे से ये सारा टेस्ट चला जाए। और बस उसके बाद आपका फ़िश करी रेडी है। ये बहुत टेस्टी होता है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। हे गाइस, आई एम सॉरी आई कुड नॉट शूट व्हेन वी वर आउटसाइड, वी ऑल फोर वेंट आउटसाइड टू द फर्नीचर स्टोर जहाँ से हमने सारे फर्नीचर्स ऑर्डर किया है, नॉट सारे, आई थिंक 70% फर्नीचर्स ऑर्डर किया है। और वहाँ पे बहुत बड़ा पंगा था, इट्स अ वेरी रिनाउंड स्टोर। बट जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करने गए थे एक बंदा आके डिलीवरी लेके चिल्ला रहा था, आज दो फैमिली आके ऑलमोस्ट दुकान तोड़फोड़ करने वाले थे। तो पता नहीं हमारा भी ऑर्डर टाइम पर आएगा कि नहीं, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आ जाए। और आज मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी कि किस लिए हम फर्नीचर्स ले रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है, पापा भी वेट कर रहे हैं। तो आज खाने में है शुक्तो, ये कल का ही शुक्तो है, ये मूंग दाल, ये भी कल का, और ये टैंगरा माछ जो मैंने आज बनाया है। तो आज शुक्तो एक्सपर्ट खा के बताएंगे कि मैंने कैसा शुक्तो बनाया है, क्योंकि मेरे पापा जब भी आते हैं हमें शुक्तो बना के खिलाते हैं, ज़रूर खिलाते हैं, इस बार भी खिलाएंगे। कल पापा नहीं थे इसलिए मैंने बना लिया, तो देखते एक्सपर्ट क्या फीडबैक देते हैं। और यहाँ पे बुम्बा ऑन बिहाफ ऑफ मी सारा काम कर रहा है सर्विंग का। आई एम सो ग्लैड बुम्बा दैट यू आर माई फ्रेंड। थोड़ा सा रेस्ट ले लिए दोपहर को, मैंने लिया, इन लोग मैच देख रहे थे तो जैसे 3 विकेट गिरा मैं जागी हो गई, मुझे लग ही गया था आज के क्या नहीं जीतने वाला है। एनीवेज अब हम खाएंगे कुछ अच्छा सा स्नैक्स, और स्नैक्स में हमने ऑर्डर किया है कोलकाता स्टाइल काठी रोल। हमारे यहाँ जीशान है जो कोलकाता का ही ब्रांच है ना, जीशान का, वहीं से ऑर्डर किया है आज एक चिकन रोल। और ये हमने किसी को नहीं बताया, सिर्फ हम दोनों ने मिलकर ऑर्डर किया है। सबको अभी पता चलेगा कि एक चिकन रोल आया है, क्योंकि पहले पूछते तो कोई बोलते नहीं खाएंगे, फिर कन्फ्यूशन ज़्यादा होता, इसलिए हमने पहले ऑर्डर कर दिया, अब सब खाएँगे।
गाइस गुड मॉर्निंग. तो संडे ऐसे ही देखते देखते बीत गया और आज है मंडे. तो फिर से एक नया वीक चालू, फिर से हेक्टिक स्केड्यूल चालू. दो आर दिस लॉन्ग वीकेंड वॉज रियली हेक्टिक. और जो चीज़ मैं आपको बहुत दिन से बोल रही हूँ बट क्लियरली नहीं बता रही हूँ, दैट इज़ द बिग न्यूज़ इज़ इन अनदर वीक और 10 days वी विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू अपार्टमेंट. इसी कॉम्पाउंड में बट दूसरे ब्लॉक में, दूसरे फ्लैट में हम शिफ्ट कर रहे हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वी वेयर परचेजिंग फर्नीचर्स, क्योंकि इस अपार्टमेंट में कुछ फर्नीचर्स ऑलरेडी थे जब हम आए थे और उसके हिसाब से हमारी चीज़ें भी बहुत बढ़ गए हैं. वी आर स्टेइंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर लास्ट 3.5 years. सामान बहुत बढ़ गया है. जहाँ हम नए जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर कुछ बेसिक फर्नीचर्स है जो जनरली बैंगलोर के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमें ख़रीदना पड़ेगा. तो उसी के लिए हम फर्नीचर्स ढूंढ रहे थे. तो ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, सब कुछ हो गया, अब देखते हैं कौन सा क्या टाइम पे आता है. सो वी वर सपोज टू गेट द न्यू अपार्टमेंट की ऑन 20th ऑफ दिस मंथ, बट 20th को नहीं मिला, 21st को मिला. बट कुछ काम थे जो न्यू अपार्टमेंट में करवाने वाले थे जो नहीं हुआ है अभी तक, वो हम कल जाके देख के आए. तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले हम शिफ्ट करें, उससे पहले सारा काम हो जाए, क्योंकि ये शिफ्ट करने के बाद ऐसे भी इतना सारा काम रहता है, इतना सारा मेस रहता है, उसके ऊपर से अगर ये सब काम भी करवाना पड़े. ओके, ही इज गोइंग टू ऑफिस, बाय बाय. तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ. ऊपर से फ्लरी है, क्यारा है, तो मैं बिल्कुल वो झमेला नहीं चाहती हूँ. तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि काम सारा हो जाए. प्लान यही था कि 10 दिन हम कॉमन रखेंगे. 10 दिन का रेंट हमने कॉमन रखा दोनों घर में. ये घर हम इस मंथ के एंड पे छोड़ रहे हैं और वहाँ पे भी 10 दिन का एक्स्ट्रा दिया ताकि हमें धीरे धीरे थोड़ा सा सामान शिफ्ट करने का मौका मिले, जो चीज़ें हम खुद शिफ्ट करवा सकते हैं. बट अब जब काम ही नहीं हुआ है तो कैसे वहाँ पर सामान लेके जाए. तो देखती हूँ सब कुछ लेके. थोड़ा सा हॉच पॉच सा सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा. बट हाँ, एक ही चीज़, दिमाग को ठंडा रख के सब कुछ करवाना पड़ेगा, खुद को भी करना पड़ेगा और होपफुली सब कुछ टाइम पे ठीक ठाक से हो जाएगा. और मैं आप लोगों के साथ सारा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी जैसे ही चीज़ें होती है, और ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि क्या क्या हमने मतलब हमारे हिसाब से हमने क्या क्या किया, ताकि हमें ये दो बच्चे, फिर मेरे पापा भी यहाँ पे है, तो कोई एजेड इंसान आपके घर पे है, या तो बच्चे है या तो पेट्स है, तो आप कैसे कितना स्मूथली ये ट्रांजिशन कर सकते हो, क्योंकि शिफ्टिंग इज़ अ ह्यूज थिंग. हमारी 5 साल शादी हुए, इसके बीच में हम शायद 3 से 4 बार शिफ्ट कर चुके हैं. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एवर हम जितने टाइम इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं. बाकी के सारे ही 1 साल या 1.5 साल ऐसे ही चला गया. तो चलो, जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. तो बहुत सारा मज़ा आने वाला है. मैं आप लोगों के साथ पूरा मेरा शिफ्टिंग का डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ, तो कोई भी व्लॉग मिस मत करना. और अभी के लिए फ़िलहाल ये है दो, सुबह से उठ के चालू है दोनों, इनको गर्मी नहीं लगती है. मैं तो पसीना पसीना हो गई हूँ सुबह सुबह, इतनी गर्मी है. जैसे ही बारिश बंद होता है वैसे ही बैक टू द नॉर्मल गर्मी. और अभी बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट. आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा, क्योंकि सिर्फ मैं और पापा ब्रेकफास्ट करेंगे. प्रशंजीत का भी इस वीक जल्दी शिफ्ट है, वो सुबह 8 बजे निकल रहा है, तो वो ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा है. दीपांजन भी आज जल्दी निकल गया, क्योंकि इस वीक हमारा बहुत सारा काम है, हम यही अज्यूम कर रहे हैं, तो उसको कुछ थोड़ा सा तो वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी लेना पड़ेगा, इसलिए वो आज कोई काम नहीं है तो जल्दी जल्दी चला गया. एक्चुअली आज हमारे बहुत सारे फर्नीचर्स आने वाले थे जो पोस्टपोन हो गए फॉर टुमारो. ये ऐसे सीक्रेट रहने वाली तो कोई बात नहीं थी, बट मैं इसलिए ये बता नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था. जैसे कि दिस हाउस वी हैव द रेंट पेड टिल एंड ऑफ दिस मंथ, और उस घर में भी जो ओनर है वो चाहते थे कि हम इस मंथ से ही, मतलब अप्रैल से ही घर ले लें. तो दो अपार्टमेंट का रेंट साथ में बेयर करना, वो भी बैंगलोर में, कोई मतलब भी नहीं बनता. एंड इट्स ह्यूज अमाउंट. तो इसलिए हम ने नेगोशिएट करके एजेंट के थ्रू कोशिश कर रहे थे कि अगर 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए एडवांस देके हो जाए, तो उसी के लिए मैं वेट कर रही थी. तो फाइनली 20th से वो सेटलमेंट हुआ कि हम 10 दिन का रेंट एडवांस पे करेंगे. तो इसीलिए मैं किसी को बता नहीं रही थी. हमको कल ही चाबी मिला और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. प्लीज़ सेंड अस योर गुड विशेस. आपके गुड विशेस साथ में रहेंगे तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा. कियारा क्या देख रही है? हाँ, क्यों क्यों क्या देख रही है? फ्लरी फ्लरी को धूप अच्छा लग रहा है.
धूपी धूपी अच्छा लग रहा है फ्राई को। हाँ ये है आज का ब्रेकफास्ट, पोहा चीर पुलाव। इससे मैं शुरू कर रही हूँ अपना दिन, दिन का पहला खाना, सबसे इम्पोर्टेंट खाना। और भैया को मैंने बोला था कि दो लोगों के लिए बनाना, बट उन्होंने शायद गलती से तीन चार लोगों का बना दिया है। और बस मैं और पापा कितना खा सकते हैं वो भी पोहा। उनको मैंने थोड़ा सा ऑफर किया, बट उनको शुगर है इसलिए कोई भी खाना जिसमें चीनी डलता है वो नहीं खाते। भैया मतलब जो कुक हमारे खाना बनाते हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। The battles that we lost, the chances I gave you, I never complained. It's true, the nights you didn't call, did not come home at all. Who's gonna hold your hand in the dark? Who's gonna warm your cold, cold heart? गुड इवनिंग। आज की पूरी आफ्टरनून मैं सोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोई, क्योंकि आई वॉज एडिटिंग दिस वीडियो। और आज अचानक से बाहर फिर से बहुत ही डार्क होके लग रहा था बारिश होगा, जो कि हुआ नहीं। इसलिए सारे कपड़े यहाँ पे हैं जो भी मैं बाहर सुखाने दी थी, क्योंकि ये दोनों ने मेरा बेड ऑक्यूपाई किया है, तो रखने का कोई जगह नहीं था। कियारा फ्लरी दोनों ही इतना डरते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हवा चलते तो आई हैव अ विंड चाइम्स देयर, वो हिलने लगता है, तो दे गेट वेरी स्केयर्ड और दोनों ऊपर आना चाहते थे। इसलिए सारे कपड़े इधर है जिसको अभी मैं फोल्ड करूँगी। और बाहर वेदर बिल्कुल येलोइश हो गया है। आई विल शो यू द स्काई, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। जैसे ही मैं लैपटॉप ऑफ करके उठ गई, अब कियारा तो बिल्कुल भी नहीं सो सकती फिर, तो कियारा बिजी है अपने काम पे। और आज आ रही है मयूरिका। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है मयूरिका कौन है। मयूरिका इसी सोसाइटी में रहती है, एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो फ्लरी के साथ खेलने आती थी पहले, और जब से कियारा आई है बेचारी एक बार भी कियारा से नहीं मिली है, क्योंकि हमने मना किया था। हम वेट कर रहे थे कि कियारा की तीनों वैक्सीनेशन हो जाए, तो कियारा के लिए भी सेफ रहेगा, उसके लिए भी सेफ रहेगा। तो जैसे ही उसको पता चला है कि वैक्सीनेशन हो गया है, आज वो खेलने भी नहीं गई है, उसकी मम्मी ने मुझे बताया, वो आ रही है मिलने कियारा से। तो देखते हैं तीनों मिलके क्या धमाल करते हैं। फ्लरी गुड मॉर्निंग, फ्लरी गुड मॉर्निंग। मैं फ्लरी को हमेशा गुड मॉर्निंग बोलती हूँ जब भी वो नींद से उठती है, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो शाम हो, कुछ भी हो, हमेशा गुड मॉर्निंग बोलती हूँ मैं फ्लरी को। फ्लरी उठ जाओ, फ्लरी उठ जाओ, बहुत हो गया, थैंक यू। आज है नेक्स्ट डे, और प्लीज़ एक्सक्यूज द वे आई लुक, बिकॉज आज पूरे दिन हम नए घर में काम चल रहा है, तो वहाँ पे जा रहे थे आ रहे थे यही चल रहा है। और अभी ज़बरदस्त बारिश हो रही है बाहर, और हमारी क्यू को बड़ा मज़ा आ रहा है, दिखाती हूँ आपको। हेलो गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग दो तीन दिन का मिक्सचर बन रहा है। आई हैव ऑल्सो लॉस्ट ट्रैक कि मैंने कब शुरू किया था, ये कौन सा डे है, बट एनी वेज इज अगेन अ न्यू डे।
और आपको तो लग ही मतलब पता चल गया है कि ये हमारा पुराना अपार्टमेंट नहीं है, ये हमारा नया अपार्टमेंट है जिसमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ऐसा है ये पूरा खाली। तो पीछे कुछ फर्नीचर डिलीवर हुआ है जिसको लेके हमारे बहुत टेंशन था, वो कल डिलीवरी हो गया है। और कल इसका बर्थडे ब्लॉग गया था, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया क्योंकि कल हम पूरे दिन यहाँ पे थे। इस घर में बहुत सारा छोटे छोटे काम था जो करवाना था और जब तक हम नहीं रह रहे थे एक भी काम हो नहीं रहा था फ़ोन पर बात करके, तो इसलिए कल पूरे दिन यहाँ पे थे। तो प्लीज़ कुछ माइंड मत करना, आज मैं घर जाके ब्रेकफास्ट करके फ्री होके ही सबको रिप्लाई करूँगी। और थोड़ा बहुत आपको ये है किचन में, बाद में सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी। ये इस घर का किचन है, सेम ही लेआउट है, कुछ भी उतना डिफरेंट नहीं है। ये है गेस्ट रूम। वन थिंग इज गुड कि यहाँ पे वो पिंक और ब्लू कलर का वो से आई हैव गॉट रीड ऑफ दैट, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ये थोड़ा डिसेंट कलर है। और पीछे का नज़ारा बहुत सुंदर है, नज़ारा दिखता है और मेन रोड भी दिखता है। ये चीज़ मेरे पापा को बहुत पसंद आया है। और ये है हमारे मास्टर बेडरूम जिसमें ये बेड आज ही सुबह आया, हम 8 बजे से यहाँ पे बैठे थे, अभी बेड आया इंस्टॉल करके गया है। और बस ये है, यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे एक मिरर है। जब ये तो खाली है तो जब मैं पूरा सजाने के बाद रूम टूर दूंगी मैं आपको पूरा बिफोर आफ्टर करके दिखाऊंगी और सब कुछ शेयर करूंगी आपसे। और इस बार हमने बहुत ही रीजनेबल रेट में सब कुछ करवा लिया है तो वो सारे डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी। चलो तो फिलहाल चलते हैं, अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, 11 बजने जा रहे हैं। और ये भी ऑफिस जाएगा, ये भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाएगा, तो चलिए फिलहाल घर चलते हैं। और ये व्लॉग को भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा खींच रहा है ये व्लॉग, हाँ व्लॉग एंड कर देते हैं। तो बाद में अभी बहुत सारा काम भी है हमारे पास, तो आप लोगों को तो दिखाती रहूँगी, कोई भी व्लॉग मिस मत करना। एंड स्टे ट्यून्ड, मत सोचना मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, तुम्हें कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने सबका कमेंट पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे सबने मेरे को बर्थडे विशेस किया। बट अभी आप समझ ही रहे हो कि ये सब के चक्कर में हम इतना बिजी हैं कि मैंने भी किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया, बट मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत ही ऑब्लाइज्ड हूँ कि आप सबने मेरे को इतना विशेस दिए हैं। और सब साथ में रहिए, हम लोग सब साथ में आगे बढ़ते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूंगी। और फिलहाल चलते हैं, बाय गाइस, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय।